फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि ये आप इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन में थ्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। इसमें आपको चाहिए बॉबिन, बॉबिन, बॉबिन केस और थ्रेड। ये तीन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। सो लेट गेट स्टार्ट। बॉबिन, सबसे पहले हम थ्रेड को थ्रेड स्टैंड में रखेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम थ्रेड को यहाँ पे जो होल दिया होगा उसमें से पास आउट करेंगे। मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ, यहाँ से थ्रेड को पास किया। उसके बाद आपको ये वाले हुक में भी डाल सकते हैं, या तो आप ये दो प्लेट दिख रही है, दो प्लेट, उसको टेंशन कहा जाता है। टेंशन में दो प्लेट के बीच में से आपको थ्रेड को पास करना है। थ्रेड को पास करते करते सीधा ऊपर की साइड लेके आना है। उसके बाद ये जो यू शेप दिख रहा है उसके अंदर थ्रेड को ऐसे डालना है। मैंने पूरे दो प्लेट के बीच में से थ्रेड को पास करके ऊपर के साइड लिया है। उसके बाद ये हुक में डाला है। उसके बाद ये नीचे वाला जो दूसरा हुक है उसमें मैं पास करूँगी। दूसरा हुक में पास करने के बाद मैं ये वाले हुक में पास करूँगी। ये दो प्लेट में थ्रेडिंग डालने के बाद ये जो दूसरा पॉइंट दिया हुआ है यहाँ से मैं थ्रेड को पास करूँगी। ये मेरा थ्रेड पास हो गया। थ्रेड पास होने के बाद ये जो दूसरा हुक दिख रहा है उसमें आपको थ्रेड को पास करना है। ऊपर के साइड थ्रेड को पास करने के बाद अभी हम ये थ्रेड को हमको निडल में डालना है। निडल में डालने से पहले हम थोड़ा थ्रेड को आगे से कट कर लेते हैं। थ्रेड को लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ पास करना है। ये मेरा थ्रेड पास हो गया। अभी ये बॉबिन को बॉबिन केस में डालना है। आपको बॉबिन में ये एक लाइन दिख रही है, ये लाइन में जो खाँच दिख रहा है उसमें से थ्रेड को पास करना है। बॉबिन को इसके अंदर इस तरीके से डालना है। उसके बाद थ्रेड को ये खाँच के अंदर डालना है। खाँच के अंदर डालने के बाद थ्रेड को ये यहाँ पे फिट कर देना है और उसके बाद मशीन में नीचे सटल के सटल में डालना है। बॉबिन को अभी हम मशीन में डालेंगे। यहाँ पे मेरी ये वाली प्लेट थी, आपको सिर्फ ये प्लेट को ऐसे थोड़ा सा खिसका के भी डाल सकते हो या नीचे से हाथ डाल के, पर मुझे आपको दिखाना है इसलिए मैं इसको निकाल दे रही हूँ। अभी आपको ये जो बॉबिन केस है उसको इस पोजीशन में आपको अंदर डालना है, ठीक इस पोजीशन से। इसको ऐसे पकड़ के, इसको ऐसे पकड़ के नीचे से हाथ डालना है मशीन में नीचे से, और कुछ इस तरीके से ये हो गया फिट आपका बॉबिन केस। ध्यान रखिएगा कि जब भी आप बॉबिन केस को डालो तो आपकी निडल इस तरीके से नीचे नहीं होनी चाहिए, निडल ऊपर के साइड होनी चाहिए। अगर बॉबिन केस को निकालना है तो वापस ये वाली पिन को पकड़िए और निकाल लीजिए। वापस मैं दिखा रही हूँ, इसको बॉबिन केस को इस तरीके से पकड़ना है और नीचे से मशीन के नीचे से हाथ डालना है और इस तरीके से बॉबिन को फिट कर देना है। ये हमारा बॉबिन केस फिट हो गया। बॉबिन को फिट करने के बाद जो ये निडल वाला थ्रेड है उसको एक हाथ से पकड़ के रखिए और मशीन को धीरे से हाथ से चलाना है, पाँव से नहीं चलाना है, हाथ से चलाना है। एक बार और देखिए, बॉबिन केस का थ्रेड नीचे से ऊपर आ जाएगा। वापस मैं दिखा रही हूँ, निडल के थ्रेड को सिर्फ सिंपल पकड़ के रखें और एक बार हाथ से मशीन को चलाइए और बॉबिन केस का थ्रेड नीचे से ऊपर आ जाएगा। उसके बाद थ्रेड को पीछे के साइड
इस तरीके प्रेशर फुट अप करके पीछे के साइड। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, वीडियो को शेयर कीजिएगा।